BSTC काउंसलिंग की सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाले एकमात्र यूट्यूब चैनल में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों का मन में काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया में कितनी सीटें हैं अभ्यर्थियों में प्रत्येक कैटेगरी वाइज, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे वीडियो पर, प्रत्येक वीडियो पर यहाँ पर ये दो कमेंट देखने को मिल भी रहे थे कि सर कितनी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना दिया ताकि सभी अभ्यर्थियों का डाउट क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का 500 का एम है, तो 500 के इस एम को आप जरूर पूरा करेंगे, ये मेरे को विश्वास है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले इस रेड बटन पर आप क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और पास में इस घंटे के चिन्ह पर जिन अभ्यर्थियों ने क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, वो पहले इस नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले अपडेट आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। बाद में बता दूँ, आपका सर्वर डाउन रहने वाला है तो आपको रिजल्ट नाइट तक भी देखने को नहीं मिल सकता है। तो जैसे ही रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दे दूंगा। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के चिन्ह पर क्लिक कर देना ताकि आप सबसे पहले रिजल्ट देख पाओ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज सभी यहाँ पर सीटें बता देता हूँ। टोटल सीटों की बात कर लेते हैं, टोटल सीटें हैं आपके 23,270 सीटें हैं। इन सीटों में दोस्तों आपका जो फेरबदल हुआ है, बीच में आपने एक बार देख लिया होगा, नोटिस जारी हुआ था, पहले 21,170 सीटें आपकी थी, अब यहाँ पर सीटें बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सीटों की संख्या बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS की दोस्तों सीटों की बात करें तो 2,332 लगभग आपके EWS की सीटें हैं। जनरल EWS की बात कर लेते हैं तो 3,232 सीटें यहाँ पर, 3,332 सीटें यहाँ पर EWS की है। अब बात कर लेते हैं EBC वालों की। तो यहाँ पर दोस्तों इन EBC वालों की 1,163 यानी 1,163 सीटें EBC वालों की है। अब बता दूं आपको OBC वालों की कितनी सीटें हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से सूचना दे देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही अपडेट आए काउंसलिंग की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर्वर डाउन रहने वाला है, आपने फॉर्म में देख लिया है, सर्वर बाद में 2 दिन तक भी सही नहीं हुआ था तो अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हुई थी, तो रिजल्ट भी आप यहां पर 1 दिन तक नहीं देख पाओगे। इसलिए सबसे पहले 1 घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप सबसे पहले यहां पर रिजल्ट देख लो। तो इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, कर लिया जिन्होंने वो घंटे के चिन्ह पर भी जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। तो चलिए OBC की जो आपकी 200 सीटों की संख्या बता देता हूँ, 4,887 सीटें OBC वालों के लिए रखी गई है। अब मैं बता दूँ MBC वालों की, यहाँ पर दोस्तों मैं सभी कैटेगरी को शामिल कर रहा हूँ। MBC वालों के लिए दोस्तों सीटों की संख्या है 1,163 सीटें। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेता हूँ ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी की दोस्तों 2,789 सीटें रखी गई है ST कैटेगरी वालों के लिए। और SC कैटेगरी की बात करें तो इनके लिए दोस्तों 3,728 सीटें SC कैटेगरी वालों की रखी गई है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये पूरी 22,000 जो भी 23,270 सीटें वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इसके अंदर दोस्तों इन कैटेगरी अलावा भी आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग सीटें होती है, जो विकलांग कैटेगरी के होते हैं उनके लिए अलग यहाँ पर सीटें होती है। और दोस्तों जो भी यहाँ पर आप देख सकते हो अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी होते हैं, वो जो राजस्थान के अंदर BST करना चाहते हैं उनके लिए भी अलग सीटें हैं, विधवा महिलाओं के लिए भी अलग सीटें रिजर्व है। इस प्रकार से उन सभी सीटों को अगर शामिल कर लिया जाए तो आपके 23,200 सीटें यहाँ पर दोस्तों बन जाती है। तो दोस्तों लगभग लगभग आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अब जैसे ही कल रिजल्ट जारी होगा आप सभी के सामने कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और जो भी डाउट है इस वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट कर देना। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, बाय।